हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अम्बिश बाबा डॉट कॉम वी आता डेली करंट अफेयर्स तो चलिए जानते हैं फिफ्टींथ अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं टू हंड्रेड प्लस का पार्ट टू पढ़ाया था हमने संडे को चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर पहला सवाल इनमें से किस देश के थिंक टैंक ने हाल ही में भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय थिंक टैंक के साथ हाथ मिलाया है पांच ऑप्शन है हमारे पास तो चलिए द आंसर इज ई ताइवान हाल ही में ताइवान के थिंक टैंक ने भारतीय थिंक टैंक के साथ हाथ मिलाया है जिसके तहत जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा चलिए जानते हैं डिटेल्स तो ताइवान का लीडिंग थिंक टैंक जिसका नाम है ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन ने हाल ही में एक मेमोरेंडम साइन किया है भारतीय नेशनल मेरी फाउंडेशन के साथ जिसके तहत जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें कोऑपरेशन है उसे बढ़ावा दिया जाएगा और ये हिस्सा है ताइवान की साउथ बाउंड पॉलिसी का इस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद अब जो थिंक टैंक्स हैं वो कंसेंशली मेंटेन करेंगे रीजनल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस और इसके अलावा ये सर्व कर सकता है एज दी फाउंडेशन फॉर ताइवान इंडियन रिलेशंस तो जैसा कि हम जानते हैं कि ताइवान और इंडिया का जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है चाइना तो ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड ताइवान एंड चाइना के बीच में जो पॉलिटिकल टेंशन है वो काफ़ी लंबे समय से हैं तो ये इंडिया को काफ़ी एक अपर हैंड दे सकता है अगेंस्ट चाइना तो चलिए अब बात करते हैं ताइवान के बारे में ताइवान का कैपिटल है ताइपेई ताइवान की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है साई इंग और ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दूसरा सवाल इनमें से किस देश ने यूएन अधिकार परिषद 2020 में सीटें जीती हैं पांच ऑप्शन हैं हमारे पास तो चलिए द आंसर इज बी रशिया एंड चाइना हाल ही में रशिया और चाइना ने यूएन राइट्स काउंसिल 2020 में सीटें जीती हैं और ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ये इकोसॉक का हिस्सा है चलिए जानते हैं डिटेल्स तो यूनाइटेड नेशंस के प्रीमियर ह्यूमन राइट्स बॉडी में सीटें जीती हैं हाल ही में चाइना रशिया और क्यूबा ने इन तीनों देश के खिलाफ कई ज्यादा ऑपोजिशन रहे हैं एक्टिविस्ट ग्रुप से क्योंकि इनके जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है लेकिन फिर भी इस रेस में सऊदी अरेबिया हार गया है रशिया और क्यूबा काफ़ी टाइम से अन रन कर रहे थे लेकिन चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में एक कॉम्पिटिशन था और एक ये फाइव वे रेस था तो इसमें एक सीक्रेट बैलेट के वोटिंग के माध्यम हुई थी सॉरी इनमें एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुई थी जिसमें 193 नाइन्टी यू जनरल असेंबली के मेंबर्स ने हिस्सा लिया था और इसमें पाकिस्तान को मिले हैं 169 सिक्सटी वोट्स उज्बेकिस्तान को मिले हैं 164 सिक्सटी वोट्स नेपाल को मिले हैं 150 फिफ्टी वोट्स चाइना को मिले हैं 139 थर्टी वोट्स और सऊदी अरेबिया को सिर्फ और सिर्फ 90 वोट्स मिले हैं यूएन जनरल असेंबली का ये भी कहना है कि दो चाइना का जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है या और चाइना पे समय से समय आरोप लगते जाते हैं कि काफ़ी वो कुछ छुपाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया कंटिन्यूसली टारगेट में रहे हैं क्योंकि वो हमेशा से जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उनको टारगेट करते रहे हैं इसके अलावा जो पॉलिटिकल माहौल है सऊदी अरेबिया का वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है सऊदी अरेबिया अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जब तक नहीं छोड़ देता और उनका जो यमन में वॉर है जब तक वो सब खत्म नहीं हो जाते और उनके सिटीजन्स जो हैं वो खुलकर सांस नहीं ले पाते और बिना बायस के वोट नहीं कर देते तब तक उनका ऐसा मानना है कि सऊदी अरेबिया ये जो रेस है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की उससे बाहर ही रहेंगे चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर तीसरा सवाल उस ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम बताइए जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द अग्निवास डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्मी और जिसमें भारतीय आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस दोनों शामिल होंगे पांच ऑप्शन से हमारे पास तो चलिए द आंसर इज बी सुरक्षा कवच सुरक्षा कवच एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि अग्निवास डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है और इसमें हमारी भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों ही हिस्सा लेंगे चलिए जानते हैं डिटेल्स तो अग्निवास डिवीजन है जो कि एक फॉर्मेशन है ऑफ द कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी हाल ही में उन्होंने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है जिसमें हमारी भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों हिस्सा लेंगे और ये जो एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज की गई है इन लूला नगर इन पुणे और इसके साथ साथ जो अग्निवास डिवीजन है उसे हेडक्वार्टर किया गया है एट पुणे और जिन्हें फोटी वन आर्टिलरी डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है तो चलिए जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का मकसद क्या है तो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का प्राइमरी एम यही है कि जो भी हमारी ड्रिल्स है और प्रोसीजर्स हैं इंडियन आर्मी और पुलिस की वो आपस में हार्मोनाइज हो जाए ये जो दोनों संगठन हैं ये आपस में जानने की क्या क्या ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस होती हैं और इसके अलावा अगर कोई भी अटैक वगैरह होता है तो इन दोनों संगठन का उनका तरीका क्या है उसे डील करने में हाल ही में कुछ एंटी टेररिस्ट गतिविधियों का पता चला था अराउंड पुणे और इसीलिए इन एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया गया था ताकि हमारा एंटी टेररिस्ट क्विक रिएक्शन टीम्स को एक्टिवेट किया जाए जिसके तहत अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो पुणे में या फिर कोई टेररिस्ट अटैक हो तो उससे सही ढंग से लड़ा जा सकेगा और इस ड्रिल में हमारी डॉग स्क्वाड्स भी शामिल थे चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर उससे पहले हम बात कर लेते हैं मिलिट्री डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस की तो ये कई सारी एक्सरसाइजेस हैं चलिए उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं पहला है गांडी विजय दूसरा है पश्चिम लहर तीसरा है वायु शक्ति चौथा है विजय प्रहार पांचवा है शत्रुजीत छठे है मेघ प्रहार सातवां है चांगथांग आठवां है हिम विजय नौवें हैं सुदर्शन वाहिनी एक्सरसाइज और दसवें हैं सिंधु सुदर्शन तो ये हमारी कई सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं जो होती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू तो टाइम चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर चौथा सवाल इनमें से किस संगठन के पिछहत्तरवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये का कोमोमरेटिव सिक्का रिलीज किया है या करेंगे पांच ऑप्शन है हमारे पास तो चलिए द आंसर इज सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिचहत्तर रुपये का कमोमोरेटिव कॉइन रिलीज करेंगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था ऑन सिक्सटीन अक्टूबर 1945 और इस साल उनकी पिचहत्तरवीं वर्षगांठ है और इसके हेड क्वार्टर्स है रोम इटली में चलिए जानते हैं डिटेल्स तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज़ करेंगे एक कमोमोरेटिव कॉइन जिसकी डिनोमिनेशन है पिचहत्तर रुपये और इससे भारत का जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वो मेंटेन किया जाएगा और उन्हें सम्मान देने के लिए किया जा रहा है और इस वर्ष उनकी पिचहत्तरवीं वर्षगांठ है जो कि सेलिब्रेट की जाएगी 16 अक्टूबर 2020 को इसके अलावा वो हाल ही में डेवलप किए गए सत्रह बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ आठ क्रॉप्स के उन्हें डेडिकेट करेंगे और हाल ही में पिछले वीक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौ रुपये का कमोमोरेटिव कॉइन रिलीज़ किया था सम्मान में जो है राजमाता विजया राजे सिंधिया राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जो हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी है उस पर कॉइन रिलीज किया है चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर पांचवा सवाल फाइनेंशियल ट्वेंटी वन के लिए आईएमएफ द्वारा अनुमानित भारत की जीडीपी वृद्धि क्या है पांच ऑप्शन है हमारे पास तो चलिए द आंसर इज ई सॉरी द आंसर इज डी माइनस टेन पॉइंट थ्री परसेंट का अनुमान लगाया है इंटरनेशनली मॉनिटरी फंड ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन तो चलिए जानते हैं डिटेल्स तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने तेरह अक्टूबर को यह अनुमान लगाया है कि भारत की जो जी ग्रोथ रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाई टेन इससे पहले उन्होंने जो उनमें ये फोकस किया था कि भारत की जो जीडीपी है वो रहेगी एट माइनस फोर पॉइंट फाइव परसेंट और इसके अलावा जो भारत की जीडीपी रही थी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस सीवियर थी दैन एंटिसिपेटेड बिकॉज़ भारत में तब लगभग दो महीने का लॉकडाउन था और सारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो लगभग बंद थी इसके अलावा उन्होंने ये भी अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी है वो ग्रो, ग्रो करेगी बाय 8.8 परसेंट इन द ईयर 2021 एंड 22 तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते कि बाकी सब एजेंसीज़ ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आका है वित्त वर्ष 21 के लिए तो मूडीज ने आका है माइनस इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट एन सी इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आका है माइनस इलेवन पॉइंट एट परसेंट और इकरा ने आका है माइनस इलेवन परसेंट चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर छठा सवाल हाल ही ने हाल ही में आर ने बैंक्स के जो एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर लिमिट है उन एंटिटीज के लिए जिनके टर्नओवर ओवर पचास करोड़ तक है उसे पाँच करोड़ से बढ़ाकर कितने प्रति, आ, कितने किए हैं पांच ऑप्शन हैं हमारे पास तो चलिए द आंसर इज ए साढ़े सात करोड़ हाल ही में आर ने बैंक की जो एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर लिमिट है उन एंटिटीज के लिए जिनके टर्न ओवर पचास करोड़ रुपए तक है उसे पाँच करोड़ से बढ़ाकर साढ़े सात करोड़ किए हैं तो चलिए जानते हैं डिटेल्स तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंक्स का मैक्सिमम एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर लिमिट है उन एंटिटीज़ के लिए जिनके टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है उसे 5 करोड़ से बढ़ा करके साढ़े सात करोड़ किए हैं और ये जो डिसीजन है ये लिया गया है इन फेवर ऑफ़ स्मॉल बिजनेसेस ताकि उनमें जो क्रेडिट फ्लो है वो बना रहे और इसके साथ साथ जो रिस्क वेट है पचहत्तर का वो अप्लाई करेगा सभी नए एक्सपोजर्स को और एग्जिस्टिंग एक्सपोजर्स पर भी वो लागू होगा इसके अलावा जो इंक्रीमेंटल एक्सपोजर है वो बैंक्स ले सकते हैं अप टू द रिवाइज लिमिट ऑफ सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इसे जो हमारी छोटी छोटी बिजनेसेस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए हैं ड्यू टू कोविड नाइन्टीन उनमें क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा तो चलिए अब आर के बारे में बात कर लेते हैं तो आर के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांता दास और आर के चार डेप्यूटी गवर्नर हैं जो कि हैं बी पी महेश कुमार जैन एम डी और एम राजेश्वर राव चलिए बढ़ते हैं सातवें सातवां सवाल इनमें से किस दिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हर साल मनाया जाता है पांच ऑप्शन है हमारे पास तो चलिए द आंसर इज डी चौदह अक्टूबर चौदह अक्टूबर को ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे तो चलिए जानते हैं डिटेल्स तो हर साल चौदह अक्टूबर को जो मेंबर्स है ऑफ़ आई ई एंड आई सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबली वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इस दिन को सेलिब्रेट करने का यही मतलब है कि जो भी थाउजेंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड वाइड उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाए कि वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लेते हैं और उसके साथ साथ वो डेवलप करते हैं वॉलंटरी टेक्निकल अग्रीमेंट्स जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तौर पे पब्लिश किया जाता है और इस वर्ष का उनका थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लानट स्टैंडर्ड्स चलिए बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर आठवां सवाल शोभा नायडू जो कि एक पद्मश्री अवॉर्डी है हाल ही में उनका निधन हो गया वे कौन थी पांच ऑप्शन है हमारे पास तो चलिए द आंसर इज ई e, जानी मानी कुचुपुदी डांसर थी शोभा नायडू जिनका हाल ही में निधन हुआ है चलिए जानते हैं डिटेल्स तो जानी मानी कुचुपुदी डांस एक्सपोनेंट शोभा नायडू का हाल ही में चौदह अक्टूबर को हैदराबाद में निधन हुआ है और नायडू को सिविलियन ऑनर ऑफ पद्मश्री हमारी भारतीय सरकार द्वारा दिया गया था वर्ष 2001 में इनसे पहले 1991 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था और इससे भी पहले उन्हें टाइटल दिया गया था ऑफ नृत्य चूड़ामणि बाई दी श्री कृष्णा गाना सभा ऑफ मद्रास तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ क्लास आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिश बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऑल्सो प्लीज़ विजिट आर अदर वेबसाइट टेस्ट डॉट एम्बिश बाबा डॉट कॉम जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इस वेबसाइट पर जाके आप अपना पसंदीदा मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे ट्वेंटी फोर सेवन अपने अकाउंट में इसके अलावा कोई शिकायत हो कोई भी सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें उसका इंतज़ार रहेगा थैंक यू फ्रेंड्स दिट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे